और जैनेन्द्र, क्योंकि जैसा आपने भी कहा और ये तो देखा भी जा रहा था कि बीजेपी पहले लिस्ट अपनी अनाउंस कर देती है तो कांग्रेस पर एक भारी दबाव था कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम वो तय करे, फाइनल करे और सबके सामने रखे, और उम्मीद ये भी थी कि शायद ज्यादा संख्या हो सकती है, 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि अभी बात बन नहीं पा रही है, सहमति बाकी उम्मीदवारों बाकी सीटों पर क्या कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, शायद इसीलिए सिर्फ 31 उम्मीदवारों के नाम ही तय किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पेंच तो कई सीटों पर फंसा ही हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, जो खुलकर जाहिर कर चुकी हैं अपनी इच्छा। इसके अलावा क्या रणदीप सुरजेवाला, जो कैथल उनकी सीट है, फिलहाल वो राज्यसभा सांसद है, क्या वो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो पेंच फंसा हुआ है, गठबंधन को लेकर के भी पेंच फंसा हुआ है, और इसीलिए सावधानी बरतते हुए पहली लिस्ट में जो है वो उन्हीं नामों पर का ऐलान किया गया जिस पर विवाद नहीं था। और इससे पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि सूची आने में इसलिए इंतजार किया जा रहा है क्योंकि हम पहली लिस्ट जंबो निकालना चाहते हैं, 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है वो तो लगभग 31 नामों की है, लगभग 30 नामों की है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की जो पहली प्लानिंग थी वो तो नहीं हुई, लेकिन चूंकि बीजेपी ने लिस्ट निकाल दी थी, नामांकन शुरू हो गया था, ऐसे में कांग्रेस के सामने एक दबाव था और उसके मद्देनजर ये 31 नामों की पहली लिस्ट निकाली गई है। एक और खबर मैं आपको दे दूं कि जेजेपी से एक विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, शाहबाद से सुरक्षित सीट है, रामकरण जेजेपी के विधायक थे, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो अपने मौजूदा विधायकों को रिपीट करने के अलावा जेजेपी से जो शामिल हुए थे विधायक, रामकरण शाहबाद सुरक्षित सीट है, उन्हें भी एक बार फिर से ना कहें लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा नीलोखेरी से निर्दलीय एक विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो पहली जो लिस्ट है उसमें ज्यादातर सिटिंग एमएलए हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है, पुराने उम्मीदवार जैसे उदय भान प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी पुरानी होडल सीट थी, उनसे उन्हें टिकट मिला है। और इसके अलावा दो विधायक जो कांग्रेस में पिछले दिनों में शामिल हुए थे, एक निर्दलीय शामिल हुए थे, उन्हें टिकट मिला है, और शाहबाद से जेजेपी के विधायक शामिल हुए थे, शाहबाद सीट से जो विधायक है उन्हें भी कांग्रेस ने टिकट तो दिया ही और अपनी पहली लिस्ट में उनका नाम ऐलान किया है। जी सचिन, ज्यादातर भले ही पुराने जो विधायक हैं उन्हें टिकट दिया गया हो, लेकिन जैसा अभी यहाँ पर बता रहे हैं जैनेन्द्र, एक दो नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो दल बदल कर आए हैं, और जब दल बदल कर कोई आता है उन्हें टिकट मिलता है तो सबसे ज्यादा नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है, तो इन सीटों पर कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं कार्यकर्ता यहाँ नाराज ना हो जाए। जी, ये देखने वाली बात होगी, खासकर जैसे शाहबाद से जिक्र कर रहे हैं, रामकरण काला जो हैं वो जेजेपी के विधायक थे, उनको टिकट जो है दी है कांग्रेस ने, अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये तो एक फॉर्मूला होता है कि विनेबिलिटी जो है, एक फैक्टर जो है उसको काउंट किया जाता है, और रामकरण काला को जो है टिकट दिया गया है शाहबाद से, जो कुछ दिन पहले ही जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पर फिलहाल इस लिस्ट में जो है ज़्यादा जो है ये हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि पुराने जो स्टॉन्च कांग्रेस के जो लॉयलिस्ट हैं, जो कांग्रेस मैन हैं, उनको ही टिकट जो हैं दिए गए हैं। पर क्योंकि 31 जो है 31 लोगों की ये लिस्ट है, 31 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, पर अभी भी जो है मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस किए जाने हैं कांग्रेस की तरफ से, तो बाकी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी उनमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उसमें जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के रैंक एंड फाइल से जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। अच्छा, मैं एक बार फिर से जैनेन्द्र का रुख करती हूँ। जैनेन्द्र, एक लंबा इंतजार देखा और चलिए फाइनली पहली लिस्ट तो कम से कम आ गई, अब क्या उम्मीद की जाए, अब आगे जो बची हुई सीटें रह गई हैं उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा कांग्रेस में, इस पर भी बात अभी हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए 12 तारीख का लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो उसके पहले तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को सभी सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है। और अंदर खाने आज भी तीसरी सीईसी की बैठक हुई, आज की बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि 71 सीटें, हमें सूत्रों ने बताया कि 71 सीटों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि हैरानी की बात है कि अगर 71 सीटों पर सहमति बन चुकी है तो सिर्फ 31 सीटों पर ऐलान क्यों किया गया है। हालांकि इसकी एक वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि ये वो सीटें हैं जिन पर ज्यादातर पुराने चेहरे हैं, पुराने विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया गया है, जिन पर कोई विवाद नहीं था उनकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 जो और नाम है जिन पर मुहर लग चुकी है उनकी लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। और इसके बाद जो पेज तकरीबन 20 सीटों पर फंसा हुआ है जिनमें की गठबंधन की सीटें भी शामिल हैं, इसके अलावा
अलावा अलग अलग कैंपों की जो राइवलरी है, प्रतिद्वंदिता है, उसमें जो सीटें फंसी हुई हैं 20, उनको भी ऐलान करना है। उन सीटों का ऐलान मुझे लगता है कि बिल्कुल अंत में किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि जिन सीटों पर ज़्यादा दावेदारी है, पेंच फंसे हुए हैं, उन पर अगर जाहिर सी बात है टिकट तो एक को ही मिलेगा, तो बाकी लोगों को बागी लड़ने का मौका ना मिले, दूसरी पार्टी से टिकट अगर बीजेपी ना सही तो JJP या INLD या फिर और कोई पार्टी, ऐसी किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका ना मिले। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि उसके पक्ष में एक माहौल उसे नजर आ रहा है, वो नहीं चाहेगी कि जो पक्ष में माहौल है इसकी वजह से जो दावेदारी कई हो गई है और उसमें टिकट चुकी एक को मिलना है, तो बाकी जो नहीं मिलेगा जिसको टिकट वो बगावत ना करें, वो कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी ना फेरें। इसकी वजह से जिन सीटों पे पेच फंसा हुआ है उनकी लिस्ट और कांग्रेस की ये परंपरा भी हमने देखी है वो बिल्कुल आखिर में आएगी। 12 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की, उसके एक दो दिन पहले आएगी, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी लिस्ट 30 से 35 नामों की आ सकती है, जिस तरीके से आज 31 नामों की आई है जिस पर कोई विवाद नहीं था, सारे पहचाने हुए चेहरे हैं, इसी तरीके से और 30-35 नामों की लिस्ट आ सकती है और अंतिम लिस्ट जो है उसके लिए कांग्रेस बहुत इंतजार करवाएगी। और क्योंकि उन तमाम सीटों पर पेच फंसा हुआ है, मुझे लगता है 2 से 3 लिस्ट कांग्रेस और जारी कर सकती है, जिस तरीके से 90 में से 31 जारी हो गए, 59 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, तो अभी ये 59 सीटें जो है उनको आने में समय लगेगा। एक और लिस्ट जल्द मुझे लगता है कि कांग्रेस जारी करेगी एक दो दिनों में, लेकिन अंतिम जो 20 सीटें हैं उसको रिलीज होने में बिल्कुल आखिरी वक्त तक कांग्रेस जो है वो समय लेगी।